अच्छा जी, तो आप लोगों ने इस तरह का एक स्लाइस कटर ले लेना है और क्यूकम्बर को इस तरह से स्लाइसिंग करनी है इसकी। छोटे छोटे से पतले पतले से स्लाइस आपने कर लेने हैं क्यूकम्बर के, और उसके बाद आपने टोमेटोज के भी स्लाइस करने हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ। जितने आपको स्लाइस थिक रखना है या थिन रखना है, इट्स टोटली अप टू यू। लेटस लीव को मैंने धो लिया है और ये हमारे क्यूकम्बर, टोमेटोज और लेटस लीव जो हैं वो रेडी हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जो स्लाइस किया था कैबेज को, हमने इसके अंदर मायोनीज ऐड करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी कैबेज करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। फोक की हेल्प से आपने इसको मिक्स करना है और इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह का होगा, क्रीमी क्रीमी सा। तो ये भी हम लोगों की रेडी हो गई। साथ में आप लोगों ने प्री हीट करना है सबसे पहले फ्राई पैन को, और आपने अपने बर्गर्स को जो है थोड़ा सा टोस्ट कर लेना। बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, और ऊपर से भी नीचे से भी दोनों साइड से आपने इसको टोस्ट कर लेना है और आपने इनको डिश आउट कर लेना है। लोगों ने अपने ऑयल को 10 टू 15 मिनट्स पहले थोड़ा सा हीट होने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, थोड़े से लो फ्लेम पे आपने इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। और चिकन पैटीज को आपने करना है डीप फ्राई। डीप फ्राई मैं इधर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रोज़न आइटम है, थोड़ा कच्चापन रह जाता है, बर्फ़ जमी हुई होती है, तो आप लोगों ने इसको डीप फ्राई करना है। और आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो ये जल भी सकते हैं। आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई करते रहना है, और उसके बाद जब ये इस तरह के दिखेंगे यानी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर आप लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने बर्गर लिया है, उसके ऊपर आप कैचअप भी स्प्रेड कर सकते हैं। चिकन गार्लिक सॉस मुझे पसंद है, मैंने उस तरह से स्प्रेड कर लिया है जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। फिर मैंने क्यूकम्बर और टोमेटोज जो हैं वो इस तरह से ऊपर लगा दिए हैं बर्गर के। बहुत ज़्यादा टोमेटोज मुझे पसंद नहीं है तो मैंने एक से दो स्लाइस लगाए हैं, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये पैटी, जो पैटी बर्गर का जो ये चिकन है, इसको हमने अपने बर्गर के ऊपर इस तरह से रखना है। और ये जो हमने मायोनीज और कैबेज को मिक्स किया हुआ था, ये हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करना है। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मतलब लगा सकते हैं। मुझे नॉर्मल ही पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ये मिक्सचर मायोनीज और कैबेज का डाला है। उसके बाद मैंने लीव, लेटिस लीव ऊपर लगा कर यहाँ पर बर्गर को तैयार कर लिया है। एज यू गाइस कैन सी, बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। उसके बाद हम लोग अपनी डिश आउट करेंगे, बर्गर्स को ट्रे लेंगे, उस पर मैंने टिश्यूज रख दिए हैं और अपने बर्गर्स को मैंने इस तरह से डिश आउट कर लिया है। दे आर लुकिंग सो यमी, सो जूसी। तो ये हमारे बर्गर्स तैयार हैं। सो हियर वी गो, हम लोगों ने क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर जो है वो बना लिया है और उसको मैंने सर्व किया है टैंग के साथ। मुझे पर्सनली टैंग बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को
सी ड्रिंक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये रेसिपी जो है बड़े बूढ़े हर कोई इंजॉय कर सकता है, बहुत मज़े की और बहुत ईजी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इस वीडियो को करना है लाइक, कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है क्या और कौन कौन सी रेसिपीज जो है वो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों ने शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, यहाँ पे रेड कलर का बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए। और मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करना नहीं भूलना। रमजान मुबारक।